सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका की धमकियों और पाबंदियों के बावजूद चाइना और रशिया एक साथ खड़े हो गए हैं। अब जिस चीज के लिए धमकी दी जा रही थी चाइना को, चाइना ने वो सुनने से इनकार कर दिया है। और रिपोर्ट के अनुसार असॉल्ट राइफल, जी हाँ, एडवांस लेवल की राइफल और उसके अलावा बॉडी आर्मर रशिया को दे दिए हैं, ड्रोन के पार्ट्स भी दिए हैं और कई तरह के और भी छोटे मोटे हथियार दिए हैं। और कहा जा रहा है कि चाइना अब शुरुआत कर चुका है, बड़े हथियार भी बहुत जल्द देना शुरू करेगा, क्योंकि चाइना पर पहले से ही अमेरिका ने सारी पाबंदी लगाई है और रशिया पर भी लगा रखी है। ऐसे में अब एक अलग ग्रुप बन गया है जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका की पाबंदियों का। कहा यह जा रहा है कि चाइना और भारी भरकम हथियार दे सकता है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि ईरान के हथियारों का इस्तेमाल जितनी शिद्दत से रशिया कर रहा था उतनी ताकत से ईरानी हथियारों के इस्तेमाल यूक्रेन भी कर रहा है। सर मत खुजाइए, खबर यह है कि कई इलाकों से पिछले कई सालों में समुद्री इलाकों से ईरान के हथियारों को सीज किया गया अमेरिका के द्वारा। अब वो सारे ईरानी हथियार यूक्रेन को दिए गए हैं। तो सीधी और साधी बात यह है कि ईरान के हथियार दोनों के हाथ में हैं, यूक्रेन और रूस के हाथ में भी। जो बात 3 दिन पहले मैंने कही थी वो फिर से साबित हो गई है। 20 से 22 मार्च तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रहेंगे रूस में और इस दौरान ही कहा जा रहा है कि अमेरिका के पेट में बम फट सकता है और दिमाग की नसें सुन हो सकती हैं, क्योंकि इसी दौरान शी जिनपिंग जब रशिया में होंगे दोनों के बीच बड़ी डील हो सकती है। दोस्तों उधर आपको बताऊं, इस जंग के दौरान रशिया ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाया है। ये वो एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। दोस्तों ये किसी भी ड्रोन को रोक सकता है। नाम इसका सर्प VS5 बताया है, जो ड्रोन को, कोई भी ड्रोन हो, उसको हवा में ही जाम करके जमीन पर उतारने की ताकत रखता है। आपको देखते ही ये बात समझ आ रही होगी कि रशिया ने इसको तैनात कर दिया है और ये पूरी तरह से मैदान जंग में एक्टिव है। उधर दोस्तों अब आपके सामने जो बड़ी खबर रख रहा हूँ वो इतनी बड़ी खबर थी कि उसको मैं थंबनेल पर लिखना चाह रहा था, लेकिन हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने कहा कि भाई थंबनेल पर ये लिखने से वीडियो गायब हो सकती है और YouTube इस वीडियो को डाउन कर सकता है। सुनिए, बशर अल असद, सीरिया के प्रेसिडेंट ने, जिन्होंने अभी हाल में ही रूस का दौरा किया, रूसी मीडिया से बात करते हुए अमेरिका का भांडा फोड़ दिया और कहा कि अमेरिका ने आतंकी दाइश यानी ISIS के आतंकवादियों को यूक्रेन भेजा है रूस से लड़ने के लिए। जब अमेरिका हर जगह हार जाता है तो आतंकवादियों को वहां छोड़ देता है। लाइव एग्जाम्पल है अफगानिस्तान, जब तालिबान से जीत नहीं पाया ये सुअर तो वहां उसने दाइश के आतंकवादियों को एक्टिव कर दिया। ऐसे ही दाइश के आतंकवादियों को बताया गया है कि यूक्रेन रवाना कर दिया गया है। मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। वहीं रूस के लिए बड़ा झटका यह है कि जितने सारे पुराने टैंक्स मौजूद थे उसके पास, सब उसने निकाल दिए थे, नए हो या पुराने। कीव की तरफ जितने टैंक बढ़ रहे थे रूस के, पता नहीं कहां से इतनी शक्ति और जलवा यूक्रेन के पास आया कि सभी रूस के टैंकों को तबाह कर दिया गया। देखिए, उधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, जो मैं आपको आज ही सुबह बता चुका हूं रिपोर्ट के अंदर, वारंट जारी कर दिया है व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी का, जिसके बाद रूसी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने, ये देखिए, ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो इशू किया है अरेस्ट वारंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ,
हमें इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। और आखिर में उन्होंने टॉयलेट पेपर का इमोजी यूज़ किया, यानी पिछवाड़ा साफ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, यानी पूरी तरह से जलील कर दिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट को। उधर रूस के सेनेटर भी बुरी तरह से भड़क गए। रूस के सेनेटर ने तो ये कह दिया कि ये जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, रशिया को तमाम ये जितने भी जज हैं उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर देने चाहिए। उधर बाखमत के यूक्रेन के इलाके पर रूस ने हमला कर दिया। यूक्रेन के लिए राहत की खबर यह है कि स्लोवाकिया और पोलैंड दोनों ही पूरी तरह से बिना शर्त के यूक्रेन को अपने फाइटर जेट देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस पर बयान रशिया ने दिया है कि पोलैंड और स्लोवाकिया अपने पुराने फाइटर जेट तबाह करना चाह रहे हैं यूक्रेन को देकर, भेजो तुम अपने फाइटर जेट, हम तबाह कर देंगे। यूक्रेन को कम नुकसान नहीं हो रहा है, अब जाकर ऑफिशियल रिपोर्ट में इस बात को माना गया है यूक्रेन के द्वारा कि 1,00,000 सैनिकों की यूक्रेन के मौत हो चुकी है, जबकि हकीकत यह है कि मरने वालों की संख्या 2,00,000 से भी पार है। जिस इलाके में क्रीमिया के करीब रूस के द्वारा अमेरिका के MQ-9 रीपर को मारकर गिरा दिया था, ये देखिए फिर से उसी इलाके में ब्लैक सी में क्रीमिया के करीब अमेरिका ने अपना दूसरा नया ड्रोन RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन भेज दिया है। लगता है कि इसको भी रूस को मारकर गिराना होगा। लेकिन आपको बता दूं, ये MQ-9 रीपर से ज्यादा खतरनाक ड्रोन है। रशिया ने ड्रोन गिरा दिया तो अब उससे मजबूत भेजा। इस बात की ये दलील है कि अमेरिका के ड्रोन की ताकत को तोड़ने की शक्ति रूस के पास है। मैं तो कह रहा हूं इसको भी मार के गिरा। पेट दुखाने वाली बात तो क्रिमिनल ने ऑफिशियली कह दी। क्रिमिनल ने कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमने जो MQ-9 रीपर अमेरिका का ड्रोन मारकर गिराया है उसको हम खोज कर निकाल लेंगे। इसके अलावा रशिया ने सुकोई 35 से यूक्रेन के बड़े पोस्ट को बमबारी करके उड़ा दिया। वही मित्रों, आपको बताऊं बड़ी खबर, सऊदी अरब भी बड़ी ही शातिराना और चालाकी और समझदारी के साथ रशिया से दे दनादन डील कर रहा है, जिससे यूरोप के कई देश भड़क गए। जिस पर यूरोप के एक देश ने, जिसका नाम नहीं लिया है मीडिया वालों ने, इंटरनेशनल मीडिया में खबर सबसे बड़ी चल रही है ये, किसी ने कहा कि प्राइस कैप जैसे रशिया पर लगाया गया है वैसे प्राइस कैप सऊदी अरब पर लगाना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब ने देर नहीं की, सऊदी अरब ने पकड़ लिया टेटुआ और कह दिया कि सुनो, जिसने भी अगर सऊदी अरब यानी अपने बाप पर प्राइस कैप लगाया, हम उस देश को तेल ही नहीं बेचेंगे। अच्छा लग रहा है सऊदी अरब का ये टोन हमको। उधर भारत में ईरान के एनवॉय ने भारत को भी जमकर मक्खन लगाते हुए पुचकारा है। कहा है कि जैसे रशिया के खिलाफ किसी और की बात नहीं सुन रहा है भारत और दे दनादन उससे तेल ले रहा है, वैसे ही तेल बिना दुनिया की सुने हुए हमसे भी ले यार, हम भी भारत को अच्छे दामों में तेल देने को तैयार हैं। जमकर तारीफ ईरान के एनवॉय ने भारत की और कहा कि भारत न ताइवान है न साउथ कोरिया, भारत एक ये वाला फूलता नहीं है, भारत एक जो है भारत एक बहुत शक्तिशाली मुल्क है, इसको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। उधर कनाडा ने लेपर्ड 2 का नया बैच यूक्रेन के लिए रवाना कर दिया है। जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं ये लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन उतर चुके हैं। बाखमत इस वक्त मैदान जंग का हॉट एरिया है, यहीं सबसे खतरनाक जंग चल रही है। हालात ऐसे हैं कि रशिया ने अपनी सारी मिलिट्री तैनात कर दी है बाखमत के इलाके में।
इसी के साथ क्रूज मिसाइल का भी हमला यूक्रेन के इलाकों पर रशिया ने किया। रकेता रकेता क्रिमिनल ने कहा है कि ये जंग काफी पहले खत्म हो चुकी होती है, ये काफी लंबी नेटो और यूरोप की वजह से चल रही है और ये जंग हम अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा रशिया ने आनन फानन बड़े हमले तोपों से भी यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए हैं, कई इलाकों से। साथ ही रूस ने यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल होने वाले सुखोई SU-24 को मार गिराया है। उधर बैलिस्टिक सागर में रूस के 4 फाइटर जेट दे दरादन अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में घूम रहे थे और जर्मनी के करीब पहुंच रहे थे। जर्मनी के फाइटर जेट ने तुरंत उनको खदेड़ दिया। सुबह की वॉर अपडेट में मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू की सरकार ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम दे दिया है और लाइसेंस भी दे दिया है, जिसके बाद रशिया भिदकने वाला ही था कि उससे पहले तुरंत जो है थूका हुआ चाट लिया इसराइल ने और खुद सामने आकर स्टेटमेंट यानी सफाई देनी पड़ गई नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने कहा कि रशिया हमारा साथी है, हमारा अलाय है और सीरिया में इसराइल और रशिया के पायलट्स एक साथ उड़ते हैं, ईरान को रोकने के लिए हम सीरिया की जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, रूस से हम रिश्ते खराब नहीं कर सकते, इसलिए हम यूक्रेन को हथियार दे नहीं सकते। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के हथियारों को और बल्कि हथियारों के ठिकानों को तबाह कर दिया हमला करके। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन का एक ओलेदार शहर है, वहां पर जमीन पर जंग चल रही है। यूक्रेन भी कम नहीं है, यूक्रेन ने रूस के हथियार खानों पर जहां हथियार रखे थे वहां बड़े हमले करके यूक्रेन का भारी नुकसान किया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने ये देखिए फ्लाइट ड्रोन का इस्तेमाल किया है
TU-143, जी हाँ, जो कि SPU-143 सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन्चर बेस से BAZ-135MB ट्रैक्टर से लॉन्च किया गया। अच्छा, रूस के लिए एक बड़ी मुश्किल बता देता हूँ क्या है जो रशिया फेस कर रहा है। असल में रूस के पास टैंक की एक ही फैक्ट्री है जहाँ रिपेयर हो सकते हैं टैंक। जितने ज़्यादा उसके टैंक घायल और नुकसान और क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उतनी जल्दी वो उसको रिपेयर नहीं कर सकता। ये रूस के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल है। वहीं दोस्तों, यूक्रेन में ही रूस के ठिकाने जहाँ हैं, जहाँ रूस ने कब्जा कर लिया है, उस कब्जाई हुई जगह पर उसके आसमानी इलाके में यूक्रेन के फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर आकर हमला कर रहे हैं। देखिए, रूस के काफी टैंक तबाह हो चुके हैं और कुछ खास टैंक रहे नहीं हैं, रिपेयर हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी रूस के टैंक इस वक्त लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। उधर यूक्रेन के नोवोकोसमोस्क के इलाके में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसने बड़ी तबाही मचाई है। तस्वीरें देखकर ही दिमाग घूम जाने वाला हाल है। देखिए, пиздец, Лёха, что скажешь? Трэш. Это жесть, блядь. Пиздец, родные, просто пиздец. दोनों एक दूसरे पर कुत्ते बिल्ली की तरह लगे पड़े हैं, नोचे पड़े हैं। कौन किसको ज़्यादा नुकसान दे दे, इस चक्कर में सारी दुनिया ही इस जंग में डूब रही है। अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है नीचे लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, रजाग्राफी को, ताकि आपको दुनिया भर की खबर, खासकर ये वॉर अपडेट तो कम से कम मिलती रहे। मैं हूँ रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।